सबसे पहले तो गाइस इसका फ्रंट व्यू चेक करो। फ्रंट व्यू में इसका जो अभी कोई भी हेडलैम्प वगैरह ऑन नहीं है, और इसका आप हेडलैम्प का व्यू चेक करो यार, मतलब मस्त है कि यहाँ पे दो ऐसा आँख के जैसा बना हुआ गाइस, और ये एक फेस के जैसा बना हुआ, और ये साइड में लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यार ये फ्लैशर फ्लैशिंग टाइप का एक सिंबल में इसमें दिया गया है इसका एक DRL, जो कि दो DRL सामने से रात के टाइम पे क्या मस्ती लगेगी। और ये नॉर्मल मतलब बाइक आप ऑन करते ही है, इसमें कोई स्विच वगैरह नहीं आता, DRL आपकी हमेशा ऑन रहेगी। इसमें फ्रंट फेसिंग में आप लोग इसका आगे का रेडिएटर का पोजीशन चेकआउट कर सकते हो। USD फोक सस्पेंशन है, इसमें ABS आता है, बड़ा सा एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है आपको। तो गाइस इसमें टायर आता है आगे में 100 सेगमेंट का, और पीछे में आएगा 130 सेक्शन का टायर आता है गाइस, इसमें पीछे में 130 और आगे में 100। तो अभी इसका पूरा बाइक का पूरा टोटल फीचर्स मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इसके इंजन है, क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है। सबसे पहले तो इसके इंजन के बारे में बता दूंगा, इसका इंजन में तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। इसमें नॉर्मली आपको देख सकते हो 199.5 cc का, मतलब 200 cc का इसमें आपको इसका इंजन कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि cc है। मैक्स टॉर्क इसका गाइस 18.74 न्यूटन मीटर का है 8000 rpm, और इसके इंजन का डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो क्या मस्त है। यहाँ पे अपना मस्त इंजन मतलब दिखने में लगती है कि भाई कोई तो हैवी पावरफुल बाइक है। स्पार्क प्लग लगा वगैरह है, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, देख सकते हो अंदर में ग्रीन कलर का इसमें कूलेंट भरा हुआ है। और ये इसका रेडिएटर है गाइस, यहाँ सामने में चेकआउट करो। और टायर और डिस्क ब्रेक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, पीछे में भी आपको एक मस्त सा एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, चेकआउट करो। और टायर अगर भी है गाइस, पीछे से कोई बाइक में चेंजेस नहीं है, सेम है एकदम, जैसे नॉर्मल आती है बाइक वैसे ही। तो हम आते हैं गाइस डायरेक्ट इसके मीटर के बारे में, तो मीटर में मैं आपको दिखा दूँ यार, ये देखो मीटर में काफ़ी सारे चेंजेस है यार। देखो ऊपर में ये आपको एक, सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हो ऊपर से, ये स्मार्ट कनेक्ट का लाइट है, ये अभी रेड ब्लिंक कर रहा, मतलब बाइक अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है। इसमें आप ब्लूटूथ ब्लिंकिंग पोजीशन में देख सकते हो, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है गाइस। इसमें अभी इंजन ऑफ है, इंजन ऑफ का ही साइन आ रहा है यहाँ पे, और यहीं पर आपको रिफ्यूल करने का भी लिखा हुआ है, देखो अभी लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें अभी बाइक में पेट्रोल नहीं है, इस चक्कर में इसमें रिफ्यूल का ऑप्शन भी आ रहा है। ऊपर में RPM मीटर है गाइस, चेकआउट करो। और यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है, अगर आप जैसे ही बाइक के क्लच स्विच को ऑन करते हो, स्पीडोमीटर ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आपको मतलब जैसे मोड बटन है गाइस, मोड बटन से आप जैसे ही इसको दबाते जाओगे, सर सेटिंग्स वगैरह का देखो, ये आपका बाइक का मॉडल नंबर आ गया, फिर से आप दबाते हो तो यहाँ पे आपका किलोमीटर बता रहा है गाइस, ट्रिप बता रहा है किलोमीटर पर लीटर, और ट्रिप भी है क्या है, और ये वार्निंग्स वगैरह अगर कोई भी अगर आपकी बाइक में आ रही है तो यहाँ पर मतलब पूरा सिस्टम है, जहाँ पर से आप पूरा इसको चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको छोटा सा नेविगेशन दिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ उसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें नेविगेशन वगैरह भी कर सकते हो। स्मार्ट कनेक्ट से आपको इसमें व्हाट्सअप मतलब जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, SMS वगैरह, जो कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, आप इससे ही मतलब बाइक चलाते हुए ही देख सकते हो। साइड में भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए, लाइट एंड ऑल, जो भी इंजन लाइट है, ABS है, न्यूट्रल है, गियर है। यहाँ पर आपको छोटा सा गियर का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, अभी बाइक न्यूट्रल पे, यहाँ पे भी आपको न्यूट्रल शो कर रहा है। फ्यूल गॉज यहाँ पे है, मतलब फ्यूल अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए कोई गॉज भी नहीं दिखा रहा है। टाइम इंडिकेशन भी, ऑडोमीटर है, और इसका किलोमीटर वगैरह सब चीज़ यहाँ पे बताता है गाइस। मीटर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया, पर काफ़ी लोगों को क्या है ना कि मीटर जो है वो नॉर्मल पुराना वाला ही मीटर पसंद है। बाकी फ्रंट से आप इसका व्यू चेकआउट करो, ये इसका जो DRL है वो अभी सिर्फ ऑन है, और इसका जैसे मैं लाइट ऑन करता हूँ, ये देखो जैसे ही मैं इसका लाइट ऑन करता हूँ, ये ऐसा आएगा कुछ, ये देखो गाइस काफ़ी अच्छा सा ये लाइट है। और इसका हॉर्न भी मैं आपको बजा कर सुना देता हूँ एक बार, कैसा है इसका हॉर्न, ये देखो ये इसका हॉर्न। मोड बटन, जिससे कि आप इसका मतलब जो भी मीटर वगैरह उसको टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पासिंग लाइट मिल जाते हैं, नॉर्मली सभी बेसिक पल्सर में यहाँ पे मिलता था, पर ये पासिंग लाइट कुछ डिफरेंट है ऐसे, ये हाई बीम, लो बीम, और ये पासिंग लाइट। पासिंग पे देख लो, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह भी जलता है, बाकी नॉर्मल की में भी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी हैंडल बार वगैरह भी सारा सेम ही है। 12 लीटर्स का इंजन आता है, इसका टैंक कैपेसिटी है गाइस E20 फ्यूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इसमें E20 फ्यूल ऐड हो सकता है। बाकी बाइक जो नॉर्मली पूरी बेसिक है, जैसे पहले आया करती थी वैसे ही सेम एकदम। इसमें कोई भी आपको इसमें केक वगैरह नहीं मिलता गाइस, इसका सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, सिर्फ आप इसको सेल्फ स्टार्ट से ही ऑन कर सकते हो। और FI सिस्टम आता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें है गाइस। स्पीड्स का मैनुअल गियर बॉक्स सिस्टम है इसमें आप 6 गियर तक आराम से जा सकते हो, और 199.5 cc का यहाँ पे आपको बैजिंग में मिल जाता है देखो। और इसमें मस्त आराम से आप लोग टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो, अप टू 140 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक नेकेड बाइक में काफ़ी अच्छी है गाइस, मतलब आराम से 140 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आप इस बाइक में अचीव कर सकते हो। इसका माइलेज सुनकर गाइस आप भी शॉक हो जाओगे, तो भाई इसमें आपको मिल सकता है 35 to 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि काफ़ी मतलब अगर आप आराम से चला रहे हो,
तो कंपनी तो गाइस 30 टू 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें क्लेम करती है, पर इसमें आप आराम से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देख सकते हो, क्योंकि यार जो नॉर्मल वाली NS आती है जो वहाँ पे पुराना मॉडल वाली खड़ी है उसमें आराम से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाता है। नॉर्मल सीट खोलने का देख लो यहाँ पे, जैसा नॉर्मल सभी पल्सर में आता है, चेन वगैरह भी एकदम मस्त आप देख सकते हो, मतलब एक नॉर्मल कोई भी बाइक के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अच्छा सा सारा सिस्टम दिया गया। क्रैश गार्ड वगैरह इसमें इनबिल्ट लगा हुआ था गाइस, और साइड से आप लुकआउट चेक कर सकते हो। जो स्टिकरिंग वगैरह है नॉर्मल जो भी पुरानी वाली NS आती थी वैसे ही सेम है, बस इसका जो मेन चेंजेस है ना गाइस ये वाला ही पूरा एरिया चेंज है, बाकी सारा चीज़ आप जो देख सकते हो एकदम नॉर्मल पहले की तरह ही है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। बाकी कनेक्टिविटी में अब ये काफ़ी आगे हो गई है, काफ़ी लोगों को यार NS लवर्स को ये वाला मीटर पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर टैग के बारे में बताओ तो यार मीटर काफ़ी अच्छी है, पर मीटर अगर बजाज ने अगर थोड़ा अपडेट किया है तो यार इसको थोड़ा सा TFT स्क्रीन की तरफ भी चेंज कर सकते हो, पर ये डिजिटल मीटर है कोई दिक्कत नहीं है गाइस, पर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी है और काफ़ी मतलब हेल्पफुल भी है, ये नेविगेट वगैरह करने में भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी। 158 kg का कर्व वेट है गाइस इस बाइक का, मतलब काफ़ी हल्की, आराम से अगर आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ट्रैफिक वगैरह में भी आराम से इसको हैंडल कर सकते हो आप लोग। देख लो यार क्या मस्त ही लुक आ रहा है यार अभी इस बाइक का शोरूम में गाइस, इसलिए काफ़ी अच्छा सा लुक है, और बाकी बाइक जब बाहर निकल जाएगी तो इसका लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाइस इसका काफ़ी अच्छा है 168 mm, तो मतलब आप इससे ऑफ रोडिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हो, और इसका जो एग्जॉस्ट है गाइस अंडर बेली है चेकआउट करो तो, इसके कारण क्या है कि आपकी बाइक जो है ना पूरा नेकेड सेगमेंट में एकदम किंग बन जाती है, और इसका क्या है कि बैलेंसिंग वगैरह भी ना इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट के कारण काफ़ी अच्छा आता है, और इसमें हैंडल बार वगैरह भी बार एंड वगैरह भी दिया हुआ है जिसके कारण आपका जो हैंडल का है वो काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग बने। और ऊपर से आप लोग चेकआउट करो यार यहाँ का व्यू, थोड़ा सा भाई ऑड लग रहा है ये वाला मीटर देखने में, पर ठीक है अब कुछ नया कंपनी ने निकाला है तो कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा, बाकी ये तो टॉप सेलिंग बाइक है बजाज की भाई। ये NS लवर जो जो आप लोग NS ओन करते होगे भाई वो लोग ही जानते होंगे कि भाई ये क्यों है टॉप सेलिंग, क्योंकि यार इस बाइक को चलाने के बाद ना कोई भी नेकेड बाइक अगर लेना चाहेगा इस सेगमेंट में तो ये बेस्ट है गाइस अपनी बाइक के अपने सेगमेंट की बेस्ट सेगमेंट। पीछे वाला आता है गाइस इसमें मोनोशॉक नाइट्रॉक्स सस्पेंशन, जो कि ये आप देख सकते हो नाइट्रॉक्स का ये अलग से कैन दिया गया है, और ये मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। बाकी नॉर्मल बाइक्स में पल्सर वगैरह में डबल सस्पेंशन आता है जो कि कोई वर्क का नहीं होता, लेकिन ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, और सीट भी स्प्लिट सीट से गाइस, और सीट का पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है और प्रीमियम फील भी आता है इसको मतलब बैठने बैठने में। और पीछे से कोई तो चेंजेस वगैरह है नहीं, नॉर्मल है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट का आ गया, और जो इंडिकेटर है गाइस काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है, मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखो इंडिकेटर का थ्रो लाइट का काफ़ी अच्छा है, जो डोमिनार और RS वगैरह में आता है आया करता है वो वाला इंडिकेटर, वही सारा इंडिकेटर इस पर भी लगा हुआ है। दोनों टायर जो आपको मिलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया 100 सेगमेंट और 130 सेगमेंट, दोनों का ट्यूबलेस है और काफ़ी अच्छा टायर है, मतलब ये परफॉर्म रोड पे काफ़ी अच्छा करेगी, स्ट्रीट में हो गया, हाईवे पे हो गया, बारिश में अगर चला रहे हो उस पे हो गया तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको टॉपअप कराना है आपका रेडिएटर में कूलेंट वगैरह, तो यहाँ पे कूलेंट का एक देख लो सेक्शन बना हुआ है, काफ़ी मतलब बाइक भाई प्रीमियम बाइक तो ऑलरेडी है, इस बाइक के बारे में क्या ही मैं आपको बताऊँ यार, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा भी नॉलेज होगा, किसी किसी को व्यू को अगर ले रहे हो तो गाइस उसमें कुछ वैसा सिस्टम आपको मिलने वाला नहीं है, एटलीस्ट इसमें डिजिटल मीटर आ गया है तो थोड़ा बेटर है, पर इसमें एनालॉग भी होनी चाहिए थी आई गेस, पर ठीक है यार जैसा भी है बजाज ने कुछ सोच समझ के बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। अब चलो चलते हैं इस बाइक को एक राउंड पे लेकर के आपको बताते हैं कैसे यार इस बाइक पर ये बाइक रोड के ऊपर परफॉर्म करती है, और काफ़ी मस्त भाई बाइक है, और इसका राइड रिव्यू मैं आपको बता ही दूंगा कि कैसे चलने में क्या क्या परफॉर्म करती है रोड के ऊपर। सर अब लेकर चलने वाले इसको बाहर और चेकआउट करो यार, पहले स्टैंड से उतार लिया जाए, फिसलता है भाई टाइल्स है ना, तेल है ना पेट्रोल इसमें, चलो यार अब बाहर आ गए भैया साथ में जाने वाले अपने, मिरर वगैरह एडजस्ट कर लो यार अपने अकॉर्डिंग, लेट्स गो। आराम से भाई 50 टच कर जा रही है यार, पावरफुल मशीन है भाई, मस्त भाग रही है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, बस यही है कि नेकेड बाइक है इसको हैंडलिंग वगैरह में भी थोड़ा सा मतलब इजी है, पर थोड़ा संभल के ही चलाना होगा यार, ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी एफिशिएंट है। देखो यहाँ पर एक बार ब्रेक करता हूँ, चलाने में हेलमेट कंपलसरी है। हाँ
भाई थर्ड गियर में फोर्थ गियर में मस्त उठा रही है यार ये बाइक। मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो अगर बताऊँ तो भाई काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाली है बाइक। मतलब अगर आप रोड पे लेकर निकल रहे हो भाई, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई भागनी चाहिए ये बाइक, तो काफ़ी बढ़िया माइलेज में तो बेस्ट है ही। बस थोड़ा सा मीटर का ही ड्रॉबैक मुझे लग रहा है, बाकी क्या सच कोई इशू नहीं है भाई। बाइक में परफॉर्मेंस वाइज तो बेस्ट है। और अब चलो यहाँ पर से एक यू टर्न ले लेता हूँ और फिर वापस शोरूम की तरफ बढ़ता हूँ। यार देखो यू टर्न लेने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा यार, मेरी BMW में भाई एक बार घुमाना पड़ता है हैंडल को रोक कर। मीटर ब्राइटनेस वगैरह का ही थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, बाकी सब ठीक ही है। फिफ्थ गियर में चला रहा हूँ यार, गियर पोजीशन भी मुझे नहीं दिख रहा है कौन सा गियर है। जो भी रिव्यू है गाइस, मैंने आपको बताया सारा जेन्युइन रिव्यू है, ऐसा नहीं कि भाई जस्ट इसके ही प्रमोशन के लिए मैंने कुछ किया या फिर ऐसा। जो रिव्यू मैंने बताया बाइक एकदम परफॉर्मेंस में, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको एक नेकेड बाइक चाहिए ना 200cc सेगमेंट में, तो भाई बेस्ट है ये बाइक। इससे ऊपर कोई बाइक आपको इस CC सेगमेंट पे इस प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाली है, और वो भी इतना सारा इसमें फीचर्स वगैरह है। देखो आराम से 76, 77, 78, 80 आराम से भाई टच कर जा रही है। नॉर्मल बाइक्स में अगर आपको 80 तक जाना होगा तो काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, पर ये आराम से चली जा रही है। ये देखो ब्रेकिंग, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इस बाइक का आपको माइलेज टेस्ट और भी कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।